back to my channel. If you're new to the channel, my name is Ashika Khanna and I'd be really happy if you take a moment subscribe to my channel below. Na bol rahi hu ghar pe ki maine socha ki main kuch nahi kar rahi, fir bhi main vlog kar leti hu. Aur mere baal agar aap soch rahe aise kyun dikh rahe hain, it's because main abhi nahaa ke aayi hu and main 4 din se jhoora bandh ke baithi thi apne baal, to isliye mere baal bahut gande dikh rahe hain. Already know ki Mumbai, Delhi, har jagah hi covid cases bahut zyada badh rahe hain fir se har jagah, and usi dar mein main to ghar se nikli nahi hu. 7-8 din ho gaye mere ko, but matlab kuch bhi hota hai, sir body pain bhi thoda sa hota hai, sabte oh my god kya ho raha hai, kyun ho raha hai, इतना पैरानॉइड हो जाता है. थिंक अब मेरे बाल इतने ज़्यादा टूट रहे थे, बहुत टूट रहे थे, तो मैं ओलाप्लेक्स कराने जा रही हूँ. मेरे के नीचे ही है तो मैं वहाँ पर जाके ओलाप्लेक्स कराऊंगी, बिकॉज इट्स वेरी मच नीड, वरना मेरे बाल इतने हेयरफॉल हो रहा है ऑन एन एवरीडे बेसिस कि मेरे बालों के नया विग बन सकता है. क्या व्हेन आई वाज इन दिल्ली एंड वी वर इन द होल क्वारंटाइन सिचुएशन, जब 2020 वाला मेन फेज था, आई हैड सो मच फन. इट वाज फन टू बी एट होम. अगर क्वारंटाइन होना सिचुएशन है तो फिर मुझे घर की बहुत याद आती. थोड़ा नो मेकअप लुक करूंगी. सो आई विल बी बैक इन 3, 2, 1 एंड हाय अगेन. सो आई एम डन विद माय नो मेकअप लुक, सम कंसीलर, चीक टिंट एंड मस्कारा एंड लिप बाम जो पहले लगाया था. इधर मैंने बाली डाली हुई है ऊपर वाले पेयरसिंग में, बट इधर ना बार बार डालती हूँ, बार बार पेंट करना है तो मुझे उतारना पड़ता है. आई एम ऑल रेडी टू गो, बट द प्रॉब्लम इज कि अभी तक मेरा अपॉइंटमेंट का टाइम नहीं है. बट मैं नीचे जाती हूँ बिकॉज मैं स्टेशनरी मुझे स्टेशनरी से भी कुछ काम है. देन नेक्स्ट रिक्रिएशन रील पे ऑलरेडी काम करना शुरू कर चुकी हूँ. ऑन द अदर हैंड आई एडेड दी स्नीकर बॉक्सेस इन माई रूम, ऑल्दो मेरा रूम बहुत छोटा है, बट आई नीडेड दीज बिकॉज मेरे काफ़ी सारे अभी तो यहाँ पे और रखने हैं. और बाय द वे दीज आर द नायका बॉक्सेस, इसके साथ मैंने नेक्स्ट वीडियो प्लान करी है, सेपरेट सेक्शन नेक्स्ट स्लाइड में मैंने शूज रखे रहे. सो दीज आर लाइक मोस्टली माई डेली वेयर्स, ऑफकोर्स एक्सेप्ट दी एलवीज, अभी तक मैंने उनको छुआ भी नहीं है, बस सजा के यहाँ पे रखा है. जो कम यूज़ करती हूँ वो अंदर है. सो या बैग जो मैंने उठाना हुआ यहीं बाहर रखा है क्योंकि मैं ज़्यादातर ही कैरी करती हूँ. सो आई थिंक वी आर गुड टू गो. वी हैव टू चूज अ फ्रेग्रेंस फॉर द डे. आई थिंक आई गो विद दिस वन राइट हियर. फुसफुस मैंने तो कोई भी शूज जाएंगे, बट आई एम वेयरिंग दीज वंस नाइकी दैट आई गॉट फ्रॉम दुबई. By the time you must be watching this video, मेरा जो second project था that I shot in Chandigarh, which was Jaan Jaan, and that was with Arsh. So अगर आपने अब तक नहीं देखा है जल्दी से जाके देखो Jaan Jaan song and let me know आपको कैसा लगा. Today is the first day of my period and first day cramps are unbearable. कभी कभी बहुत ज़्यादा अनबेरेबल होते हैं, मतलब अभी तो जब मैं बाहर जा रही हूँ सोच भी रही हूँ, कभी कभी ऐसा होता है मैं बेड से उठ भी नहीं पाती. यू नो दैट यू गॉड्स फेवरेट, इनको एक भी दिन कोई क्रैम्प नहीं पड़ता, कोई पेन नहीं होता. हाउ ना इंसाफी है ये भगवान जी. फ्रेश ब्लैक मास्क, लेट्स गो गाइस. नेक्स्ट रिक्रिएशन का कलर ये है, तो गेस्ट करो मैं नेक्स्ट रिक्रिएशन रील किसके ऊपर बनाने वाली हूँ, गेस इन द कमेंट्स. निकलने से पहले आई डोंट सी क्या मौसम हो रहा है. इट्स एक्चुअली वेरी ग्लूमी टुडे एंड क्लाउडी एंड इट्स ऑलरेडी ड्रिजलिंग. सो मैंने एटीएम आई एंड एटीएम आउट ऑफ सर्विस है, सो अभी मैं कहीं दूसरे एटीएम जाती हूँ. क्या यार ख़राब मौसम, आउट ऑफ सर्विस. सो मुझे ये मिला है अभी तक सिर्फ, एंड इट्स नॉट वेरी क्लोज टू दैट जो मैं ढूंढ रही थी, बट अभी इसमें से मुझे यही समझ आ रहा है. मैं देख रही हूँ फिर पोज मिली ले तो रही हूँ. बचपन में स्टेशनरी वाले से इतना मज़ा आता था ना, अलग ही फील होती थी स्टेशनरी पहन के. हर वक्त कुछ ना कुछ भर के ले जाती थी मैं स्टेशनरी से. कमेंट में बताओ अगर आप भी स्टेशनरी फैन थे तो. ये पेंसिल किसको याद है, ऐसे करते थे ये मैं ले रही हूँ. बचपन की याद आई मुझे इससे बहुत. क्लास में ये लाता था, उसे अमीर कहा जाता था. सच ओ ग्लूमी डे इन मुंबई, क्लाउडी डे आज. आई एम इन एन ऑटो अगेन बिकॉज आई ट्राई 3 ATMs, तीनों ATMs में विड्रॉल नहीं था. आई डोंट नो व्हाई. आई थिंक बैक घर की साइड पे कोई और ATM ढूंढना है. और आई कांट बिलीव मैं बारिश में अपना लाल फूल ढूंढ रही थी रिक्रिएशन के लिए, बट आई एंजॉय डूइंग द रिक्रिएशन पार्ट. सो आई होप मेरी आवाज़ ऑडिबल हो, मैं इतने पास से बोल रही हूँ कितनी हवा है. बट आई रियली एंजॉय डूइंग द रिक्रिएशन रील्स. आई होप यू एंजॉय देम एज मच एज आई एंजॉय मेकिंग देम. मैं अब तक 3-4 कर चुकी हूँ, 5th ऑन वे सून. फाइनली फाउंड एन ATM जो शायद चल रहा है एंड कैश विड्रॉ हो जाए शायद यहाँ से. सो आई एम जस्ट ट्राइंग. अगर आपको पता है मुझे भी कैश ATM से कैश विड्रॉ करना भी नहीं आता था पहले. ओह नो इट्स नॉट हैपनिंग. फाइनली वर्क निकाल लिया मैंने कैश. वूहू गो यस बैंक. अपॉइंटमेंट के लिए आई एम स्टिल 25 मिनट्स अर्ली, बट आई आस्क देम इफ दे कैन स्टिल एडजस्ट
एंड टेक माई अपॉइंटमेंट अर्ली बिकॉज अब मैं और वेट नहीं कर सकती। सो गाइज मैंने यहाँ पे वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा म्यूजिक चल रहा था, बट दे फाइनली एक्सेप्टेड माय अपॉइंटमेंट आधा घंटा पहले, थैंक गॉड। एंड यहाँ पे उन्होंने पहले वो प्लेक्स लगाया मेरे बालों में, एंड देन ये सेकंड मास्क लगता है, एक और मास्क लगता है, एंड देन वी वॉश इट ऑफ, शैम्पू किया, कंडीशनर किया, एंड उसके बाद एक और बार मास्क लगा था, कोई मॉइस्चराइजिंग मास्क समथिंग जो मुझे नहीं पता क्या होता है। एनीवे एंड दिस इज़ हाउ माई हेयर लुक्ड आफ्टर द ट्रीटमेंट। आई यूजुअली गो फॉर दिस एवरी मंथ बिकॉज इट्स एडवाइजेबल, एंड अभी स्ट्रेट ड्रायर की वजह से लग रहे हैं, बट हाँ इससे हेल्दी रहते हैं बाल आफ्टर कलर। मैं आते आते अच्छा हूँ, मुझे याद आया केमिस्ट देख के कि मुझे सैनिटरी नैपकिन्स भी उठाने थे और मैंने थेपले भी उठा लिए, देख के मन कर गया। बाय द वे तरक्की, पहले सिर्फ और सिर्फ ब्लैक डिस्पोजेबल बैग में देते थे सैनिटरी नैपकिन्स, और मुझे क्लियर था मैंने बेटा वाह तरक्की हुई है हिंदुस्तान की। मैं आपको अपने दो तीन बच्चों से मिला, कर लिया ये कर लिया ये कर लिया, आपको फिर से लग गई है क्या? जब यहाँ पे इस पोजीशन में बैठा होता है ना वरना भागता आता है, भाव नहीं कहा वो, इसको लगी क्या भैया फिर से, इसको चोट लगा फिर से, ऐसे बैठा है जैसे इसको लगी थी तब बैठा था, ऐसे ही बैठा है, लगा है ना? वो तो पता है सो रहा है। सो जो ब्राउनी है ना गाइस, जो भी कोने में लेटा था, एक बार उसे बहुत तेज लग गई थी, इसको किसी डॉग ने काट लिया था, तभी वो इसी पोजीशन पे यहीं पे बैठा रहा था 3 दिन तक। और नॉट ओनली बैठा रहा बट उसने ना बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं किया, वरना जब भी मैं आती हूँ ना, कि तीनों डॉगी मेरे को जानते हैं, तो जब भी मैं आती हूँ सबसे पहले ब्राउनी भागता हुआ आता है, बट अभी वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया, तो आई थिंक उसको कुछ तो प्रॉब्लम है, तो बीमार है अंदर भी, मुझे समझ आ नहीं भाई, मैंने गार्ड से पूछा वगैरह, सो रहा है पता नहीं, कल देखूंगी, अगर 2-3 दिन ऐसा रहा इसका मतलब वो थोड़ा बीमार है। और मुझे बहुत भूख लग रही है, और ये 12 ब्राउनी और केक कल मंगवाया था तंजील, मतलब 12 ब्राउनी मंगाए थे, तो अभी हम एकदम से मन किया तो गर्म करके मैं खा रही हूँ एक ब्राउनी। गॉड यू वांट ब्राउनी? मैं थेपले भी लाई थी वैसे, इट वॉज थेपले नॉट एक्लेयर्स। मफिन नो, चाय के बाद मीठा खा लूं क्या तेरे, कल भी मैं रोटी खा रहा हूं तो मुझे कौन सी ब्राउनी खा। गाइस ओला प्लस के बाद वैसे मेरे बाल बहुत सॉफ्ट हो गए हैं, पर वो और अभी स्ट्रेट अप इसलिए उन्होंने ड्रायर किया, वरना से स्ट्रेट नहीं होते हैं। मंथ में एक बार कराने की कोशिश करती हूँ, मैं करा पाती हूँ, बट क्योंकि मेरा बहुत ज्यादा हेयर ब्रेकेज होता है बिकॉज ऑफ कलर, नाक्चर पर डाल दूँ ना, पूछते हैं कि ये क्यों होता है ट्रीटमेंट, सो ये इसलिए होता है जबकि कलर्ड बाल है जिनके भी, उनका थोड़ा स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हेयर का, सो होता है। मुझे बहुत भूख लग रही थी, अभी मैंने 10-12 थेपले खा ली है और अब मैं खा रही हूँ गर्म ब्राउनी। अभी अभी इसके अंदर लिक्विड चॉकलेट भी है, मैंने रियलाइज ही नहीं किया जब मैंने ठंडी खाई थी। यू ब्राउन की बेस्ट मुझे रेड वेलवेट ब्राउन लगती थी, जो अब उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया, अफसोस। यू सक। तो गाइस हमने खाया बहुत कुछ, तंजील भी आ गया था घर पे, सो आई थिंक हमने क्या क्या खाया, मैक एंड चीज, बटर चिकन, मैक एंड चीज खाया, पास्ता, पता नहीं क्या खाया, बहुत टेस्टी बट बहुत कुछ, हरा भरा कबाब। सो अभी हम आए हैं बॉनी का फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट करने, बॉनी फाइनली अपनी बर्थडे गेटअवे से वापस आ चुका है, सो अभी मानव आई थिंक बॉनी के लिए केक लेने गया, आई थिंक बॉनी से रहते जो कि 1 ईयर ओल्ड हो चुका है। हीटर के सामने सोता था ये बच्चा, मैं खाना खाता था, मेरे जीन्स फाड़ता था, याद हो मैं छोटी, फर्स्ट टाइम मिले थे हम, लव एट फर्स्ट साइट, याद है मुँह छिलाए जा रहे हो, इसका मतलब मैं आपको याद हूँ, आपको याद आ रही है वो बातें हमारी पुरानी, दिखाओ पूछे लगा के तो बताओ मुझे, अगर आपको याद है मेरी बात, आपको याद है हम फर्स्ट टाइम मिले थे हीटर के पास। मॉर्निंग हैप्पी डॉग गो, देख लो शैतान, गुब्बम इसी वक्त गुब्बम के
खाने के लिए बजा रही हूँ. गेस करो कौन सा बजा. बिल्कुल हैप्पी बर्थडे डांस कर रही है. अब बजा मेरा क्या कर बस उन्नति ना ये किमची ला के रखी हुई थी ट्राई करने वाली. ये दिखने में और वो पैकेट में बिल्कुल वैसा था जो लोग स्पाइसी नूडल चैलेंज नहीं करते वो था. इसलिए मैंने कम डाल दिया. मैं ट्राई कर रही हूँ. मेरे को फाइनली रामन खाने का वो जो येलो पैकेट आता है ना रामन का यम उससे यम कुछ नहीं है. एंड डाइट कोक ऑफ कोर्स यमी. एनालाइज कर लो फटाफट. स्पाइसी सही में स्पाइसी है बहुत. वो भी ट्राई करना पड़ेगा. मेरी स्पाइस टॉलरेंस थोड़ी कम है बट मैंने वो सॉस अभी पूरा भी नहीं डाला है. जो पैकेट आता है ना बहुत आधा डाला है क्योंकि उन्होंने दिन से पहले वार्निंग दे दी थी दम डाले. बट फिर भी स्पाइसी बट उससे अच्छा है. किसे टॉप रेमन से अच्छा है. नहीं नहीं जो चैलेंज वाले नूडल्स होते हैं ना. अच्छा है तो वही वैसे मेरे को लग रहा है. चीज रिले न्यू चाइल्ड का तो रूम करे बस का रूम पूरा कारपेटेड है तो अभी बॉनी के बहुत बार लग चुका है. मैंने वाला ट्राई करके देखना है. इट्स फन तो मैं ट्राई कर रही हूं. आप भी नहीं है आप भी नहीं है ओनली फॉर 100 एंड 20 करो. यही वाला आपको लेंगे इसको 20 करोड़ में. ये देख लो गाइस मानव ने जो अपने व्लॉग में प्लांट उगाए थे उसका क्या हाल हो गया. मर चुके हैं थोड़े. गुड बाय हो चुके हैं. एक्चुअली मैं बताना चाहूंगा कि मैंने पूरा ध्यान रखा था. दिख रहे हो बेचारे लाइफलेस. कसम आई स्वेयर कि मैं रोज पानी देता था. सुशी भी रोज पानी देता था. आई गेस यहां पे सनलाइट नहीं आ रही. मैं नहीं मानती. चेंज करूं मैं इनको. सैड हुए आपको और बाहर के रखे हुए अब तक मरे हुए डेड बॉडीज. अबे नहीं यार उनको उठाना. ट्रैवलिंग हो गई बहुत ज्यादा. ये देख लो गाइस मानव की जूते की कलेक्शन. एक दिन ये मेरी होगी पता है मुझे. आप डेली लॉक करते हो उसका मैं क्या करूं. चाहता हूं आशी बोलती है कि मैं अपना साइज भेज देती है मेरा. हां सब कुछ उससे कुछ आशी के पास भी कलेक्शन है बहुत अच्छी. ठीक है तू एलवी लेके आई है तू. ठीक है नाइकी तेरे पास कितने. चुप कर जा. बट ये तो अब लोग ये ट्रेंड में क्या कर कि तेरे पास कुछ नहीं. इसके पास सबसे ज्यादा कलेक्शन है. सबसे ज्यादा कलेक्शन है इससे ज्यादा तो है मेरे पास. ये दादी अम्मा है जिसकी किचन में कॉकरोच लग चुकी है. हम घर आ रहे हैं और हम बच्ची कुची ब्राउनीज का भी सत्यानाश करने वाले हैं. इसी में आशी की बात आता हूँ. आशी में अंदर टी शर्ट आ रहा था. आशी बोलती है बड़ी कॉकरोच आ रहे हैं यहाँ पे. मैं अंदर से बोला दादी अम्मा जिसके बर्तन पे कॉकरोच खराब कर रहे हैं. जिसके बर्तन जो सारा दिन बैठ के मसाले पीसती है उसके मसालों पे कॉकरोच चढ़ रहे हैं. अभी पेस्ट कराया था गाइस. अभी पेस्ट कराया था तो हम क्या करें. मैं गुस्सा नहीं आएगा वापस कॉकरोच देख के बताओ. चलो बाय गाइस. थोड़ा बिजी टाइम थोड़ा कम करा मैं बट वाओ तू साफ कर रही है. कॉकरोच इसकी वजह से आते हैं गाइस. ये रोज रात को आगे से कुछ मीठा खाती है और कॉकरोच आ जाते हैं. शिट यार मजा नहीं लग रही. बड़े अच्छे लगते हैं. मैं छोड़ रही हूँ उसको. इशू तो है यार. ये वैसे सारी क्योंकि हम दोस्त नहीं है साथ. ये कौन सी है. वेट हेलो बिना मुंडे लाल Thanks for watching. Don't forget to like, share, and subscribe, and hit like if you are mahabhookhe like us. Bye. See you in my next video. ऐसे मिलेंगे यही से इसका इंट्रो स्टार्ट होगा.